सत श्री अकाल दोस्तों, जदों कोई औरत अपना कोई प्राइवेट काम कर रही हो, जिवें बाथरूम च नहा रही है या कपड़े बदल रही है या टॉयलेट कर रही है, निजी काम वो होंदे है जिहड़े एक औरत अपनी प्राइवेसी च करती है। ये सारे काम उहदे प्राइवेट काम है। कहने का मतलब कि वो काम जिहड़ा किसी पब्लिक प्लेस के उत्ते ना किया जाए, उस वक्त कोई व्यक्ति लुक छिप के उन्हें देखता है, लगातार देखता है, फोटो खिंचता है, उसकी वीडियो बनाता है, इस च की सजा है, उस बारे गल करांगे। हुण गल करिए पिछे जे एक घटना वापरी सी, एक विद्यार्थन वालों कुछ विद्यार्थना की वीडियो बना के वायरल करन दी घटना सामने आई सी। इस मामले च जो FIR दर्ज की गई है IPC की धारा 354 सी ते IT एक्ट की धारा 66E के तहत। हुण गल करिए IPC की धारा 354 सी ते IT एक्ट की धारा 66E की है। जदों कोई औरत अपना कोई प्राइवेट काम कर रही हो, जिवें बाथरूम च नहा रही है या कपड़े बदल रही है या टॉयलेट कर रही है, निजी काम वो होंदे है जिहड़े एक औरत अपनी प्राइवेसी च करती है। ये सारे काम उहदे प्राइवेट काम है। उस वक्त कोई व्यक्ति लुक छिप के उन्हें देखता है, लगातार देखता है, फोटो खिंचता है, उसकी वीडियो बनाता है, IPC की धारा 354 के तहत कार्रवाई होंदी है। हुण गल करिए इहदे च सज़ा की है। IPC की धारा 354 दे विच जे जो व्यक्ति है जो पहली बार दोषी साबित होंदा, 1 साल तो लैके 3 साल तक सज़ा नाल जुर्माना। जे वो व्यक्ति दूसरी बार फड़िया जाए दोषी साबित हो जाता तो 3 साल तो लैके 7 साल तक सज़ा ते नाल जुर्माना। हुण गल करिए 66E IT एक्ट की कहिंदा है। कोई भी व्यक्ति किसी औरत या मर्द की प्राइवेट पार्ट की वीडियो बिना किसी उसके परमिशन दे बनाउंदा है, ऑनलाइन अपलोड करता है या कि छापदा है, तो दोषी साबित होने पर 3 साल तक सज़ा ते 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। होर इस तरह दी वीडियो देखण वास्ते साडे चैनल सबसक्राइब जरूर करो ते घंटी दा बटन दबाओ।